कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैंने 6 तारीख को बयान दिया था और आस्था रखने वाले लोग आज, कल, परसों और कभी भी मंदिर जा सकते हैं। फिर भी बीजेपी पलट पलट कर वही सवाल बार बार कर रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है और वो भी एक ही सवाल को ये लोग बार बार उठा रहे हैं। मैंने 10 दिन पहले ये बयान दिया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये सवाल उठ रहा है और इस ये षड्यंत्र के तहत इसे बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको कहा था, हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे, तो आज उन्होंने सारी चीजें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया, उसमें स्पष्ट है। मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको